कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने ओबीसी समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया, अन्याय किया। इन लोगों ने ओबीसी नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कुछ दिन पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, हमने वो सम्मान दिया, लेकिन याद करिए उस कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से ओबीसी समाज के उस महापुरुष के साथ क्या व्यवहार हुआ था, किस प्रकार से उनके सब जुल्म के 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनको पद से हटाने के लिए कैसे कैसे खेल खेले गए थे, उनकी सरकार अस्थिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस को अति पिछड़ा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं हुआ था। 1987 में जब कांग्रेस के पास पूरे देश में उनका झंडा फहरता था, सत्ता ही सत्ता थी, तब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। और कारण क्या दिया? वो संविधान का सम्मान नहीं कर सकते। जिस कर्पूरी ठाकुर ने पूरा जीवन लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए, संविधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया, उनका अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया।